हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हमने साफ करके बारीक बारीक से काट लिया है। ये हरा मिर्च, इसको भी हमने कट कर लिया है यहीं से। ये है नमक, तो इसको हम बनाते समय स्वाद अनुसार रखेंगे। और ये है सरसों तेल, तो इसको हम ऑमलेट बनाते समय इसका यूज करेंगे। आज हम बनाएंगे अंडे के ऑमलेट। तो अब हम चलते हैं ऑमलेट बनाने। तो हमने अंडा ले लिया है, चूल्हा भी जला लिया और तवा गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे अंडा को सब कुछ मिक्स करके जब डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से हमने तेल डाल करके पूरे तवे में मिला दिया फ्राई पैन में। और अब हम जा रहे हैं इसमें कटोरा में धनिया पत्ता रख लिया, मिर्ची, प्याज रख दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक रख लिया है। तो अब हम इसमें अंडा मिलाएंगे। इस तरह से हमने फोड़ करके अंडा मिला करके और फ्राई पैन में डाल करके मिला लिए। अब हम इसको फ्राई पैन में डाल दिए। डालने के बाद इसको 1-2 मिनट सेक के और जब एक तरफ सेका आ जाएगा तो इसको दूसरी तरफ पे पलट करके हम सेक लेंगे। तो अब एक तरफ तैयार हो चुका है, देख रहे हैं। इसको हम इस तरह से पलट दिए, थोड़ी देर इधर भी सेक करके हटा लेंगे। अब फिर दूसरा डालें। तो इस तरह से हम बारी बारी से सब अंडे का ऑमलेट बना लेंगे ठंडा में। ऑमलेट खाना अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से हमने कुछ ऑमलेट को तैयार कर लिया है और बारी बारी से जितने भी अंडे हैं देख ही रहे हैं, तो सबको हम अंडा बना लेंगे ऑमलेट।
तो हमारा पूरा ऑमलेट बन चुका है, अब हम लोग खाने चले हैं। तो रोटी बना हुआ है इधर, अब हम लोग सब आदमी बैठ करके साथ में